Good morning, students. Firstly, I would like to welcome all of you in our online sessions and classes, online classes. So, I hope that you all are fit and fine at your home and your family members are also fine. So, our topic is symmetry. What is symmetry? When a object or when half of an object covers or overlap the second half, okay? When an half of when a half of an object cover the another half by flip or fold. It is called symmetry. Take an example. We have a paper. We fold the paper along horizontally. Then the first half of the paper and the second half of the paper, it overlaps the other half properly. Okay? So, this is the symmetry of a paper. Is that clear to everyone? So, we observe so many symmetrical objects around us. Firstly, if we are talking about the nature, so all the natures around about symmetry. Either you can take an example of leaves of trees, either a bird's wing and animal shapes like zebra, zebra ka left side and right side, all are same. Human being, left side and right side of human being are in symmetry. Like if I'm standing front of the mirror, so I see my whole body. If I rotate 90 degree and then I observe myself from the mirror, then I just see the left portion, and my left portion overlap my right portion because due to the symmetry in our body. Similarly, right portions also overlap the left portion when you move around back. Okay, so symmetry has so many applications. Examples kahan par hum symmetry use karte hain. First hai chemistry mein use hoti hai, chemistry, physics, biology, computer applications, so these are some sectors in where we studied about these subjects through symmetry. जैसे chemistry की बात करें हम, तो chemistry में हमने स्टडी करना है किसी भी चीज का मैकेनिज्म. सो लाइक हमने मैकेनिज्म स्टडी करना है H2O का, ठीक है? इसमें सिमिट्री होगी, कहीं ना कहीं पर होगी, ठीक है? अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, बेंजीन रिंग आती है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन आता है, इसमें क्या है, अगर इनका स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है, इनका मैकेनिज्म स्टडी करना है, और ये किन किन के साथ एक जैसा स्ट्रक्चर शो करेंगे, लोन पेयर की बात करनी है, वहां पर सिमिट्री होगी. ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. और फिजिक्स की बात करें हम, तो फिजिक्स के जो डीप डेप्थ वाले कंसेप्ट हैं, ऑप्टिक्स के कंसेप्ट आप बोल सकते हो,
थोड़ी बहुत ही ऑप्टिक्स भी सिमिट्री पर बेस है। बायोलॉजी में अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, वो एक सिमिट्री में होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर है उनमें भी एक सिमिट्री होती है, इतने पैटर्न के बाद ये रिपीट करेगा, ठीक है, इनमें ये सिमिट्री रहेगी तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे वर्क करेगा, सिमिट्री चेंज कर देंगे तो ये इसकी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ सिमिट्रीज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ सिमिट्री। व्हाट इज अ लाइन ऑफ सिमिट्री? लाइक आई हैव अ पेपर, दिस इज अ प्लेन पेपर, सो आई वॉन्ट टू फोल्ड द पेपर, सो आई फोल्डेड द पेपर। Like this, I fold the paper. Be careful that you fold the paper accurately. So, I fold this paper. So, now this is upper half, this is the lower half. The upper half overlap the lower half properly, it is symmetric. And this is a line of symmetry, okay? जिसके थ्रू हम इसको फोल्ड करेंगे वो क्या बन जाएगा? लाइन ऑफ सिमिट्री। यही क्या रहेगा? हमारा एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी रहेगा यही, ठीक है। लाइन ऑफ सिमिट्री भी यही, एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी यही। एक्सिस ऑफ सिमिट्री आप किसी भी चीज को जिस लाइन के थ्रू फोल्ड कर सकते हो और वो उसके सेकेंड हाफ को कवर कर ले, वो आपका एक्सिस ऑफ सिमिट्री बन जाएगा। सो एक्सिस ऑफ सिमिट्री, तो फर्स्ट है लाइन ऑफ सिमिट्री। इफ अ पिक्चर इज फोल्डेड इनटू हाफ सच दैट इट्स अपर और लोअर हाफ मैच एग्जैक्टली, देन द लाइन ऑफ सिमिट्री इज सपोज्ड टू एग्जिस्ट इन द पिक्चर। अगर हमने किसी भी पेपर को या किसी भी और ऑब्जेक्ट को उसके अपर हाफ या लोअर हाफ को फोल्ड कर दिया, ठीक है, वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा और जो बीच में लाइन बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अगर हम इस लाइन ऑफ सिमिट्री के थ्रू किसी भी चीज को फोल्ड करेंगे वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सिस ऑफ सिमिट्री। इज दैट क्लियर? इसमें यही है समझने वाला, लाइन ऑफ सिमिट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमिट्री क्या है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सिमिट्री अराउंड अस, सिमिट्री अराउंड अस, हम अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो भी सिमिट्री में है। लाइक हम अपने हाउस की बात कर लें, घर की बात करें, स्कूल बिल्डिंग की बात करें, तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं? इसको एक सिमिट्री में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने स्कूल की बिल्डिंग को ऑब्जर्व करें, अभी तो न्यू एक्सपेंशन हो गई है बिल्डिंग की, लेकिन पुरानी बिल्डिंग को आप ऑब्जर्व करो, उसका जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में क्या है? सिमिट्री है। जितनी राइट साइड से बिल्डिंग आगे है उतनी लेफ्ट साइड से आगे है, बीच में वो थोड़ी सी अंदर को है, ठीक है। दिस इज एक आर्किटेक्चरल सिमिट्री। ताजमहल है वो भी एक सिमिट्री में है, ठीक है। इसके अलावा हम नेचर की बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ वॉस, विंग्स ऑफ बी, दीज आर ऑल इन द सिमिट्री। सो सिमिट्री हम अपने आसपास ही देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, जैसे ये डी है, इंग्लिश अल्फाबेट है डी, इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमिट्री, टू लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी, एक होगी वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल, और किसी किसी ऑब्जेक्ट्स की क्या होगी? डायगोनल्स, डायगोनल। अभी मैं बताता हूं डायगोनल लाइन ऑफ सिमिट्री क्या है। अगेन टेक ए पेपर, सो आई फोल्ड द पेपर अपर हाफ। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास पेपर है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका अपर और लोअर हाफ को ओवरलैप करवाता हूं। चलो आप लोअर को ऊपर के साथ करवाते हैं, मैंने ओवरलैप करवा दिया, ये जो लाइन ऑफ लाइन बन रही है ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई जी, ओके। अगर मैं
लेफ्ट और राइट को ओवरलैप करवाऊं, जैसे इसका लेफ्ट पार्ट है राइट को ओवरलैप कर रहा है, तो यह बन गया वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो एक पेपर की शेप कौन सी है, रेक्टेंगल है ना, अगर हम इसके डायगोनल्स को मीट करें, लो हम इसके डायगोनल्स के अराउंड इसको करते हैं। अब देखो इसका जो वन हाफ है दूसरे को कवर ओवरलैप नहीं कर रहा, कवर नहीं कर रहा प्रॉपर, तो इसमें डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर हम स्केयर की बात करें, अगर इसको हम स्केयर में कन्वर्ट कर लें पेपर को, तो डायगोनल इसी तरह हम स्केयर की लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, स्केयर की डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी। अगर हम सर्कल की बात करें, लाइक वी हैव अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कोई भी इसका डायमीटर होगा वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। सो हमें पता है सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं, देर आर सो मेनी डायमीटर्स, इनफाइनाइट डायमीटर्स, सो सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको 13.1 में करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, ठीक है, आपने उसकी सिमेट्री की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, आइदर वो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी, इसके अलावा वो अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो वो स्लाइंट लाइन भी हो सकती है सिमेट्री की, ठीक है, कोई भी लाइन हो सकती है, आपने बस ऑब्जेक्ट्स को देखकर, ठीक है, बस ये सोचना है इसका कौन सा पार्ट किसको ओवरलैप करेगा और कैसे करेगा, बस यही अपने माइंड में रखना है। ओके, सो आई थिंक ये सभी आप लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट घर पर कर लोगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो नीचे वीडियो में कमेंट कर देना, आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।